हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्टीमेट गोल यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम लेकर आए हैं एनटीआई यूजीसी नेट पेपर 1 के दिसंबर 2019 में हो रहे एग्ज़ाम के पहले 4 शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर के टाइप्स, यानी ये 4 शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बेसिस पर हम सजेस्टिव टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले 4 शिफ्ट की जो एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये लेसन। देखिए, सबसे पहले देखिए हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 4 शिफ्ट में क्या आस्क किया गया है, देखिए मेन टॉपिक्स में इफेक्टिव टीचिंग पहले शिफ्ट में 2 दिसंबर का, और रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचिंग के लेवल होता है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये इन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट में 2 दिसंबर में क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, गुड टीचर के क्या क्या क्वालिटी है, ये हमने लास्ट जो डेट था जहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs करवाए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन था क्वालिटी ऑफ गुड टीचर का। नेक्स्ट देखिए 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में इफेक्टिव टीचिंग में एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया और क्वालिटी ऑफ गुड टीचर से, और आखिर में जो 3 दिसंबर के 2 शिफ्ट है वहाँ पर लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मतलब मेमोरी लेवल, 3 लेवल होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर जो 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट था वहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, और 3 दिसंबर के शिफ्ट 2 से लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरली इस बार सजेस्टेड टॉपिक हम देख सकते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग से और इफेक्टिव टीचिंग से एंड क्वालिटी ऑफ टीचर से, ये तीनों जो एरियाज हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और पहले जो 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो नेचर था क्वेश्चन का वो ईजी ही था, कोई डिफिकल्टीज नहीं देखने को मिला इस टीचिंग एप्टीट्यूड की सेक्शन में। नेक्स्ट चलते अब आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिए मेन टॉपिक जो है वहाँ पर आउटसाइडर रिसर्च, रिसर्च के आउटसाइडर जो प्रोसेस है, जो वेरिएबल्स है उनके ऊपर क्वेश्चन आए थे। 2 शिफ्ट में रिसर्च एथिक्स एंड रिसर्च टाइप्स, 2 शिफ्ट में जो एग्जाम में जो रिसर्च का क्वेश्चन था वो मॉडरेटली डिफिकल्ट था, यही एक सेक्शन है जहाँ पर रिसर्च के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कंपेयर टू अदर शिफ्ट। ओके, और 3 शिफ्ट में देखिए हाइपोथेसिस और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच होता है रिसर्च का उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 दिसंबर के 2 शिफ्ट में सैम्पलिंग रिसर्च फोकसिंग ऑन लोअर लेवल आउटकम रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये रिसर्च के अंडर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो मॉडरेटली इजी था, ज़्यादा इजी नहीं लेकिन मॉडरेटली इजी था। तो ये जो 3 दिसंबर के शिफ्ट 2 था ये सबसे इजी था कंपेयर टू अदर जो शिफ्ट में जो रिसर्च का क्वेश्चन आए। तो रिसर्च से यहाँ पर देखिए काफ़ी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, फिर भी सजेस्टिव में आप रिसर्च एथिक्स हाइपोथेसिस इसको आप लर्न कर लीजिए। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए 2 दिसंबर के जो शिफ्ट 1 था वहाँ पर 3 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 दिसंबर के शिफ्ट 2 में 4 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, 3 दिसंबर के शिफ्ट 1 में भी 4 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 3 दिसंबर के जो शिफ्ट 2 था वहाँ पर सबसे कम 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, ऐसा कैंडिडेट का मानना है। ओके, तो ये कैंडिडेट के जो व्यूज़ है उसके ऊपर हमने ये सारे टॉपिक तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो आप कुछ कर नहीं सकते, जस्ट जो कॉन्सेप्चुअल और जो भी आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा सोच समझ के देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मॉडरेटली डिफिकल्ट हो गया, बाकी सारे सेक्शन में बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन। नेक्स्ट हम आते हैं ICT में। देखिए ICT एक टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैटिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये टॉपिक कभी कभी ईजी होता है, कभी कभी मॉडरेट होता है, बहुत ईजी कभी भी नहीं होता, थोड़ा सा ईजी होता है या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ये टॉपिक नहीं होता। तो यहाँ पर वॉर्म फुल फॉर्म से क्वेश्चन आए थे, एक WORM का हार्ड डिस्क से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट शिफ्ट में मैचिंग ऑफ जावा सर्च इंजिन से क्वेश्चन पूछा गया था, सर्च इंजिन से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन करवाए जब हम पढ़ा रहे थे ICT। यहाँ पर 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने सजेस्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताया था, तो यहाँ पर 3 दिसंबर के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी से भी क्वेश्चन आए हैं, यूजेस ऑफ ICT, तो ये देखिए यूजेस ऑफ ICT ये न्यू एडिशन से हमारे सिलेबस में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर के 2nd शिफ्ट में कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, और WAN क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा एरियल कवरेज किसके द्वारा मिलते, WAN, LAN ऐसा कुछ दिया गया था। तो WAN का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क, सारे के सारे शिफ्ट में इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2nd दिसंबर के ये शिफ्ट मॉडरेटली डिफिकल्ट था, बाकी सारे मॉडरेट ही थे। तो ये ICT से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो WAN है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का आप कुछ नहीं कर सकते, और जो मॉडर्न ICT से गवर्नेंस का जो रिलेशन है, ICT से गवर्नेंस का जो रिलेटेड है रिलेशन है वो आप देखिएगा
ध्यान से, जो भी आप आगे शिफ्ट के जो कैंडिडेट एग्जाम दे के लिए देख रहे हैं, तो आईसीटी का जो और जो पोर्शन है वो भी देखिएगा, जैसे सर्च इंजिन कौन कौन सा है, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक के ऊपर बेस करके, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में देखिए अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, और जहाँ पर इंडियन लॉजिक को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। देखिए और जो भी शिफ्ट है सारे के सारे शिफ्ट में आपको इंडियन लॉजिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था यहाँ पर इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक आप मत छोड़िएगा, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर इंडियन लॉजिक को देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। अनुमान हो, प्रमाण हो, अपमान हो, अर्थपति, ये बहुत सारे टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाणस से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए प्रमाणस हर शिफ्ट में प्रमाणस से क्वेश्चन आ रहे हैं, एलएसी से भी क्वेश्चन आए। इंडक्टिव रीजनिंग, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने करवाया है, बहुत इजी पार्ट है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो ये जो पार्ट है इंडियन लॉजिक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंडियन लॉजिक, ठीक है, इंडियन लॉजिक या इंडियन फिलोसॉफी जो भी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग की इस बार के एग्जाम के लिए। यहाँ पर चार क्वेश्चन थे, बाकी सारे पाँच पाँच क्वेश्चन थे, और ये सेक्शन भी डिफिकल्ट के नेचर में है, ठीक है, ज़्यादातर डिफिकल्टी हो रहा है, मॉडरेटली डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो इंडियन लॉजिक है ये स्टूडेंट उतना डीपली पढ़ते नहीं है, और यहाँ पर हर बार इंडियन लॉजिक से कई बार दो क्वेश्चन, कई बार तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अब आते हैं मैथ एंड रीजनिंग की, तो मैथ एंड रीजनिंग सबसे ईजी टॉपिक माना गया इस बार यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर मॉडरेटली ईजी दिखाया गया है, लेकिन सबसे ईजी टॉपिक अगर कोई है तो ये मैथ एंड रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। मैथ एंड रीजनिंग में रेशियो, अल्फाबेट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक क्वेश्चन रह रहे, रेशियो रह रहे, ठीक है, और उसके साथ आपका नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज हो रहा है, नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वर्स प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन दिया गया था कि एक के साथ दूसरा प्रोपोर्शन अगर प्रोपोर्शनल में है तो उसके साथ तीसरा का क्या प्रोपोर्शन होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा नेचर था, लेकिन बाकी सारे जो भी क्वेश्चन से एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो रहा है मैथ एंड रीजनिंग में। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप ध्यान से समझ कर जाइएगा जितने भी टाइम है आपके उस लिए। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन में देखिए पहले शिफ्ट में आया था परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट 2 December में वो वहाँ पर भी परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चन था, 3 December के शिफ्ट 1 में सेल्स ऑफ लैपटॉप का इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन था, और जो लास्ट हुआ था 3 December के शिफ्ट 2 में वहाँ पर प्रॉफिट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बेस्ड, ये भी सारे वेरी इजी नेचर के क्वेश्चन थे। तो इन दोनों में से भी अगर कंपेयर करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन इस बार सबसे ईजी क्वेश्चन माना गया। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन पे देखिए, कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से, हर एक शिफ्ट में क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट भी बन गया, लेकिन ये मॉडल जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ईजी है ये मॉडल। ओके, तो ये कम्युनिकेशन का जो सेक्शन है वहाँ से क्लासरूम कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। अब आते हैं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये एक डायनामिक नेचर का टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा सिलेबस के पोर्शन को कवर करते हैं, तो ये टॉपिक कभी भी इजी नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SDG एजेंडा 21 वर्ल्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यहाँ पर एक कोचिन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया, तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है एक के साथ, यहाँ पर नीति आयोग से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ गया। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो SDG है, जो प्रोटोकॉल से क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले शिफ्ट के एग्जाम के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके अंडर आया ये भी आया था। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डायनामिक नेचर के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये टॉपिक कभी भी ईजी नहीं होता, मॉडरेट के नेचर में ही रहते क्योंकि डायनामिक टॉपिक है। अब देखिए हमारी आखिरी जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन। ओके, तो ये हायर एजुकेशन भी डायनेमिक नेचर का है, यहाँ पर स्वयं से पहले शिफ्ट में 2 questions पूछ लिया गया था, ये थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि स्वयं मेंशन कर दिया गया है सिलेबस में। एक क्वेश्चन ई गवर्नेंस से आया था, यहाँ पर स्कीम्स एंड कोठारी कमीशन, ये जो कमीशन है ना ये बहुत सारे कमीशन से एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सारे के सारे कमीशन को आपको इतने शॉर्ट टाइम में पढ़ने के टाइम नहीं है,
फिर भी थोड़ा सा अगर हो सके आप देख लीजिएगा एग्जाम के लिए, यहाँ पर एच ई एफ एस स्कीम से क्वेश्चन आए। तो इन चारों शिफ्ट में इसके क्वेश्चन के साथ कोई भी मेलजोल नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आए। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी हम सजेस्टिव कर रहे हैं, ये सारे के सारे लर्नर्स ने जो भी शेयर किया हमारे साथ उसके ऊपर बेस्ड है। तो हो सकता है कोई चीज़ रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन का जो ट्रेंड है इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन भी इजी आ रहा है और मैथमेटिकल रीजनिंग भी इजी आ रहा है, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वहाँ पर इंडियन फिलोसॉफी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, और हायर एजुकेशन बोलिए या फिर आप आई सी टी बोलिए, थोड़ा सा डायनामिक नेचर का हो रहा है। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 8 दिसंबर से हमारे यहाँ पर कोर्स लॉन्च हो रहा है, वहाँ पर हम एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।